हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। बेसिकली यस बैंक में आज एक गज़ब की तेज़ी देखने को मिली, लगभग 5% की तेज़ी। अगर कोई दूसरा स्टॉक होता तो उसमें 5% का सर्किट लग जाता, लेकिन अच्छी बात यह है कि यस बैंक अभी कोई भी ASM लिस्ट वगैरह में नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई भी सर्किट वगैरह भी देखने को नहीं मिला। तो आज के दिन की इस बड़ी तेज़ी के पीछे क्या रीज़न बनते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ से अब टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं और जो लेवल्स आए थे तो क्या उस पर ब्रेकआउट और सस्टेनेबिलिटी हुई है या फिर नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। और कल का मोमेंटम कैसे हो सकता है ये भी एक ट्राई लगाएंगे कि क्या हो सकता है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए, बस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा सो डैट इसकी रीच इंक्रीज हो जाए। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बारी बस जल्दी से देख लेते हैं कि आज मार्केट कैसा रहा, सो दैट हमें कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी हो जाता है। मार्केट आज एट पार की क्लोजिंग देते हुए नज़र आया, जैसे कि सेंसेक्स 5 पॉइंट का नेगेटिव, निफ्टी 50 10 पॉइंट नेगेटिव, निफ्टी बैंक में हाँ जरूर थोड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट जरूर थी 127-128 पॉइंट की, और मिड कैप आपको एट पार पर ही क्लोज होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये अगर हम देखें ओवरऑल तो मार्केट में आज कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली, लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं कि यस बैंक में क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, तो यस बैंक में अगर आप यहाँ पर देखते हो 5% का मूवमेंट बना और बहुत बड़ी तेज़ी के साथ शेयर क्लोज होते हुए नज़र आया। अच्छी बात ये है कि शेयर 20 रुपये के लेवल के ऊपर सस्टेन होते हुए नज़र आया, गिरावट नहीं हुई। 20 रुपये 15 पैसे पर शेयर क्लोज हुआ, 20 रुपये 30 पैसे का इसने हाई बनाया। इवन अगर आप देखोगे तो बिल्कुल लास्ट जो आपको एक लाइन देखने को मिली, थोड़ी सी ड्रॉप जरूर हुई है, अच्छी बात ये हुई कि 20 पर सस्टेन कर गया। 20 से नीचे जाता तो फिर गिरावट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, अब सस्टेन कर गया है तो डेफिनेटली कल के चांसेस थोड़े से पॉजिटिव जरूर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जल्दी से मैं आपको यहाँ पे इसके वॉल्यूम के बारे में बताऊँ तो आप वॉल्यूम यहाँ पे देख पा रहे होगे 31 करोड़ का वॉल्यूम आया है, 31 CR का। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें कल के दिन 24 करोड़ का वॉल्यूम था, यानी कि कल के दिन का वॉल्यूम यहाँ पे क्रॉस होते हुए नज़र आया। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एवरेज देखने को मिल रहा है 38 CR का, महीने का एवरेज देखने को मिल रहा है 29 CR का, यानी कि ओवरऑल अब अच्छा वॉल्यूम जो है वो शेयर के अंदर आना स्टार्ट हो चुका है। वहीं अगर हम इसके रिटर्न्स के बारे में बात करें तो रिटर्न्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अब अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले एक महीने में लगभग 23-24% के रिटर्न्स हैं और पिछले 3 महीने में 18.5% के रिटर्न्स हैं, पिछले 6 महीने में 30% के रिटर्न्स हैं और यहाँ पे 1 साल में 19.5% के रिटर्न्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं आगे आखिर खबर क्या निकल के आई है, तो सामने मैंने आपके रख दी है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं वो। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यस बैंक शेयर्स आर रीबाउंड आफ्टर फॉलिंग 3 डेज इन अ रो, 3 दिन लगातार यहाँ पे गिरावट हुई, उसके बाद आज के दिन आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दिया। और अच्छी बात यह है कि 2-3% नहीं, यहाँ पे पूरे 5% के साथ जो मोमेंटम बना वो देखने को मिला। आज जो शेयर का रेंज देखने को मिला 18.5 से 22 रुपये पर शेयर का जो सिनेरियो वो देखने को मिला है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो शेयर है वो आपको कॉन्टीन्यूसली दिवाली के बाद मोमेंटम दिखाना स्टार्ट कर चुका है। इवन अगर आप देखोगे तो जो इनका NPA वाली न्यूज़ आई है उसने सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट शेयर पर छोड़ा है, और जो 120 करोड़ का अमाउंट आना था वो आ चुका और उसके बाद चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। इस रिपोर्ट में भी आप सीधा सीधा यही देख पाओगे कि सीधे मेंशन किया है कि NPA के रिपोर्ट ने काफ़ी हद तक एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा। फिर अगर आप देखो तो अप ट्रेंड कॉन्टीन्यूसली रहा है, तो शेयर में बाउंस बैक जरूर देखने को मिल गया, 19.95 आपको ओपन होते हुए नज़र आया। फिर यहाँ पे बताया गया, ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन स्टॉक एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा सपोर्ट बन रहा है इस टाइम पे वो बन रहा है 18.50 का। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे मोमेंटम अच्छा बनेगा, अब ये 18.50 से क्रॉस करके 20 पर पहुंच गया है, अब रेजिस्टेंट बनेगा 22 रुपये का, 22 रुपीज़ का जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंट लेवल बनते हुए नज़र आ रहा है।
वो ब्रेक होगा तो डेफिनेटली जो दूसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है 25 रुपये का, यानी कि 25 रुपीज़ का। तो एक बारी 22 रुपये का क्रॉस होता है तो शेयर जाएगा 25, उसके बाद 28 और फिर आपको यहाँ पे 30 रुपये के लेवल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि एक बहुत बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं। अब तेजी क्यों बन रही है, तो अगर हम एक्सपर्ट्स की यहाँ पे माने तो इन्होंने बोला है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में न्यूज़ बताई वही बताया कि जो एनपीए वाला सिनेरियो बनाना, जो एनपीए की प्रोसीडिंग्स आई इनके पास 120 करोड़, छोटा अमाउंट नहीं होता, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो उस न्यूज़ के बाद ही चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव बननी स्टार्ट हो गई और यहाँ से अब शेयर में मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बना हुआ है और एक एक करके जब चीज़ें और ज़्यादा पॉजिटिव बन रही हैं तो शेयर भी मूवमेंट दिखा रहा है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें कि आगे टारगेट क्या हो सकते हैं, तो जो सुमित बगाड़िया हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चॉइस ब्रोकिंग के, उन्होंने अच्छे खासे टारगेट दिए हैं। उन्होंने बोला है कि 18.5 रुपये के जो लेवल्स हैं एक बारी वहाँ से क्रॉस होता है तो शेयर जाएगा 22 रुपये पर। 22 रुपये पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जरूर देखने को मिलेंगी कि शेयर अटकेगा, लेकिन एक बारी अगर वो क्रॉस हो जाए तो शेयर जाएगा यहाँ से 25 रुपये पर, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया सेम चीज़ इन्होंने दोबारा से बताई है। और 25 रुपये के लेवल्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं, उसके बाद शेयर जो है वो 28 रुपये से 30 रुपये के लेवल बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, यानी कि एक अच्छे खासे टारगेट यस बैंक के बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन भी लोगों ने 16, 17, 18 के आसपास अपनी पोजिशन बनाई थी उनको अब प्रॉफिट होना शुरू हो चुका है, और जिन भी लोगों ने इतने दिनों से सिर्फ पेशेंस लेवल बनाया हुआ था उनको भी अब रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि यस बैंक की न्यूज़ क्या है, तो देखो इसमें भी आपको वही सारी न्यूज़ है, मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ अगर आपको बताऊँ तो वो निकल के आ रही है कि यहाँ पे यस बैंक जो है अब एंटर कर चुका है। जैसे कि मैंने आपको BSE इंडेक्स वाला बताया था, उसमें अच्छा खासा इसने परफॉर्म किया, उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिला। फिर अगर आप देखोगे तो ये एनपी वाली न्यूज़ तो आई है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इन्होंने हाल फिलहाल में अपने जो CRO हैं उनको भी यहाँ पे अपॉइंट किया है, तो मैनेजमेंट भी जो चेंजेस कॉन्टीन्यूसली करने हैं वो भी यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो Q2 का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देखने को मिला, NPS भी काफ़ी हद तक कम कर दिए, प्लस अगर आप देखोगे बैंक का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रहा है, डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सुधरते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन शेयर से ये है कि जो 20 रुपये वाला आप जो शेयर है वो एकदम से 100-200 हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इससे बेटर दूसरी बैंक्स कर रही हैं। या तो ऐसा होता है कि पूरा बैंकिंग सेक्टर बेकार चल रहा है, यस बैंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है तो चांसेस अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो धीरे धीरे करके ही इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जिन भी लोगों को ऐसा शेयर चाहिए जो एकदम से डबल ट्रिपल हो जाए, तो यस बैंक वो कॉल नहीं है, यस बैंक में टाइम बहुत लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक निकल के आ रही हैं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।